मैं असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण सिंह 13 बटालियन NDRF एफ कंपनी से हूँ। मेरे साथ जो रेस्क्यूअर्स हैं वो 13 बटालियन NDRF के हैं। हम सारे कोऑर्डिनेटेड हैं, इनफैक्ट जो दूसरी फोर्सेस हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेटेड हैं, और हमारे पास स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम कटिंग, ड्रिलिंग प्लस आयरन को कट करना, मेल्ट करना, वो सारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हमारे पास हैं। इवन अगर कोई बर्फ़ के अंदर दब जाता है तो उसको किस तरीके से निकाला जाना चाहिए, वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे साथ हैं। प्लस हम कोऑर्डिनेटेड हैं सारी फोर्सेस के साथ में और सारी स्टेट की NDRF के साथ में। जहाँ पर भी जितनी भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट हम उसको वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं और यात्रा को सुगम बनाने के लिए अपना तहे दिल से काम कर सकते हैं। माउंटेन्स में लैंडस्लाइड हमेशा से एक चैलेंज रहा है, और जैसा कि ज्योग्राफिकली वो जगह इस तरीके से बनी है कि लैंडस्लाइड्स बहुत ही कॉमन है वहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट जो ट्रेनिंग होती है वो लैंडस्लाइड्स के बारे में ही होती है। इसीलिए हमारे रेस्क्यूअर्स को हमने 300+ रेस्क्यूअर्स को हमने MRT में ज्वाइंट ट्रेनिंग करवाई है, जिसमें सारे के सारे चैलेंजेस जो लैंडस्लाइड और प्लस माउंटेन रेस्क्यू से रिगार्डिंग होते हैं उनको सबको हमने वहाँ पर ट्रेनिंग करके स्पेशलाइज बनाया हुआ है। जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें कॉमन जो इंजरीज होती हैं वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं, उसके अलावा बोन को स्प्लिंटिंग करना क्योंकि फ्रैक्चर्स कॉमन हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और हाई अल्टीट्यूड को मद्देनज़र रखते हुए ऑक्सीजन थेरेपी उनको सिखाई गई है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज उनको देना सिखाई गई है, और प्लस उनको CPR देकर कैसे किसी को रिवाइव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में उनको स्पेशलाइज बनाया गया। NDRF अपनी ज्वाइंट ट्रेनिंग करती है रेलवेज़ के साथ में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि बड़ी बड़ी बोगीज़ को किस तरीके से मेल्ट करके काटना है, किस तरीके से कटिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस हमारे रेस्क्यूअर्स को पहले से ही है। अगर इस तरीके का कुछ होता है तो हम जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वैसे तो 300+ जवानों को ट्रेनिंग दी गई है, हमारे हायर हेडक्वार्टर ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था, तो पिछले 2.5 महीने से वो फॉलो हो रहा है और हमें सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन 200+ हमारे डिप्लॉयमेंट वहाँ पर होती है, जिसमें महिला रेस्क्यूअर्स भी होते हैं जो महिलाओं को उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके और क्विकली उनको अटेंड कर सके। NDRF से यही मैसेज है कि पहले तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं उसको स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह उनको पक्का फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा जब वो यात्रा में आ जाते हैं तो वो अपने आप को अकेला ना समझें, जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो NDRF को पक्का कॉल करें ताकि उनकी यात्रा को हम सुगम और यादगार बना सकें।